हेलो स्टूडेंट्स आई एम आशीष चावला मैक्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो एन में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन हमें दे रखी बेटा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन a minus b times x plus a plus b times y is equals to 3a plus b minus 2. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हमें कंडीशन मालूम है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशंस वी नो दैट ए वन अपॉन ए टू इजिकल्स टू बी वन अपॉन बी टू शुड बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ये कंडीशन हम जानते हैं जहां ए वन ए टू हमारे एक्स के होते हैं बी वन बी टू हमारे वाई के कॉफिशियंट होते हैं सी वन सी टू हमारे कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं तो देखिए यहां पे एक्स का ऑप्शन टू है यहां पे एक्स का माइनस बी है तो टू अपॉन ए माइनस बी इजिकल्स टू बी वन अपॉन बी टू यानी कि वाई के कॉफिशेंट यहां पे वाई का ऑप्शन थ्री है यहां पे ए प्लस बी है तो यानी थ्री अपॉन ए प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंट टर्म सेवन है और यहां पे है थ्री ए प्लस बी माइनस टू तो सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू तो इन तीनों का इक्वल होना जरूरी है ठीक है तो पहले अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं लेट्स सी ये दोनों इक्वल हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो टू इससे मल्टीप्लाई होगा थ्री इससे होगा तो हमें मिलेगा टू ए प्लस टू बी इजिकल्स टू थ्री ए माइनस थ्री बी क्लियर है ना इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया माइनस थ्री भी इधर आके प्लस थ्री भी हो जाएगा टू बी और थ्री भी एड हो जाएंगे बेटा तो वी गेट फाइव बी थ्री ए में से टू ए जाएगा तो बचेगा ए तो यानी ए की जो वैल्यू होगी वो फाइव टाइम्स ऑफ बी होगी ठीक है और देखिए अगर हम चाहें तो इसका आंसर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं अभी ठीक है जरूरी नहीं कि हम इस वाले सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करें अगर हम ऑप्शन देखें हमें ए की वैल्यू ऐसी है जो कि बी की फाइव टाइम्स है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहां ए की वैल्यू बी का फाइव टाइम्स है तो देखो अगर पहले ऑप्शन में देखो B की वैल्यू वन है और इसका फाइव टाइम्स करोगे तो A फाइव आ जाएगा तो यानी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा आंसर A होना चाहिए ठीक है बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो इतने पार्ट से भी हम आंसर बता सकते थे लेकिन चलिए हम फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे लेट से अब इन दोनों को सॉल्व किया बेटा इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थ्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेवन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो वी आर गेटिंग नाइन ए प्लस थ्री बी माइनस सिक्स इक्वल टू सेवन ए प्लस सेवन बी ओके okay. नाउ इसको वापस से अपन ने शिफ्ट किया नाइन ए में से सेवन ए गया तो बचेगा टू ए थ्री बी में से सेवन बी गया तो माइनस फोर बी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो नाओ बेटा अब ए की वैल्यू में फाइव में बी है तो यहाँ पे अपन ए की जगह फाइव भी रख दे तो यहाँ पे एक ही जगह फाइव भी रख दिया फाइव बी इंटू टू तो ये बचा टेन भी हो जाएगा टेन बी माइनस फोर बी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ये हो गया सिक्स बी इक्वल टू सिक्स तो बी की वैल्यू बेटा बना आ गई बी की वैल्यू वन आ गई तो ए हमारा कितना आ जाएगा फाइव तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फाइव एक्स माइनस टू आई इक्वल टू के वन ऑफ द आंसर इज टू कॉमा माइनस टू देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के ये क्वेश्चन गुजरात में पूछा गया था बेटा एन टी एस दो हजार तरह का क्वेश्चन है Uh, यहां पर यह कह रहा है कि एक तरह से टू कॉमो माइनस टू इसके सोल्यूशन है सोल्यूशन का मतलब हम जानते हैं कि एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो डेफिनेटली अगर ये इसका सोल्यूशन है तो डेफिनेटली ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी ये जो फर्स्ट है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वाई कोर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे बेटा एक्स की जगह तो टू रख दो और y की जगह बेटा माइनस टू रखना है इजिकल्स टू के फाइव इंटू टू बेटा टेन हो गया माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर हो जाएगा तो फोर्टीन तो बेटा हमारा आंसर के इक्वल टू आ रहा है जो कि हमें ऑप्शन सी में नजर आ रहा है सो इट मीन अवर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गुजरात से है एनटीएस स्टेज वन दो हजार तेरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एज ऑफ रमेश इज एक्स रमेश की एज एक्स बता रखी है और बता रखा है कि जो रमेश है रमेश इज फाइव ईयर ओल्डर देन महेश यानी जो रमेश है वो फाइव ईयर बड़ा है महेश से ठीक है और बट थ्री ईयर यंगर देन सुरेश यानी तीन साल छोटा है सुरेश से कौन रमेश की बात हो रही है तो हमें बताना है सुरेश की एज क्या है चलिए करते हैं वन बाय वन रमेश की एज कितनी है बेटा एक्स रमेश को मैं आर बोल देता हूं रमेश की एज एक्स ठीक है आगे रमेश इज फाइव ईयर ओल्डर देन महेश तो यानी जो रमेश है वो महेश से पांच साल बड़ा है तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो महेश है वो रमेश से पांच साल छोटा है ऐसे बोल सकते हैं तो ये महेश की एज हो गई और इसने बोला रमेश इज फाइव ईयर ओल्डर देन महेश बट थ्री ईयर यंगर देन सुरेश यानी सुरेश से तीन साल छोटा है अगर रमेश सुरेश से तीन साल छोटा है तो इसका मतलब है कि जो सुरेश है वो रमेश से तीन साल बड़ा है यानी कि X plus 3. तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सुरेश की एज होगी होगी वो हो हमारी एक्स प्लस थ्री सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गुजरात से है दो में पूछा गया है क्वेश्चन uh, है सॉल्व इक्वेशन हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है

फाइव टाइम्स जाएगा तो ऊपर आ जाएगा फाइव एक्स थ्री माइनस वन टू सिक्स एक्स में से फाइव एक्स गया तो बचेगा एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ रहा है थर्टी सो थर्टी इज द करेक्ट आंसर सो वी कैन सी दैट अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन हमें यहां पे भी इक्वेशन को सॉल्व ही करना है तो सेवन बाय टू एक्स प्लस फाइव बाय टू वाई इक्वल टू फाइव दे रखा है बेटा हमें और फोर एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू सेवन दे रखी है और हमें फाइंड करना X y है एक्स माइनस वाई ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र एन टी सी स्टेज वन दो हज़ार तेरह का क्वेश्चन है चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी तो सबसे पहले तो बेटा नीचे जो टू है ना उसको गायब करते हैं इसका एलसीएम ले लो या इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू टेन इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया है, है ना और ये दूसरी इक्वेशन दे रखिए फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं तो हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई निकालना पड़ेगा तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और इसको लेट से मान लेते हैं हमारी इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है मैं लेट से वाई के कॉपेशन को सेम बनाते हैं यहाँ पे वाई का क्प्शन फाइव है यहाँ पे टू है तो फाइव और टू का एलसीएम होता है बेटा टेन तो यानी इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को फाइव से तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया सो वी आर गेटिंग फोर्टीन एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू ट्वेंटी और सेकेंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा फाइव से तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू थर्टी फाइव माइनस कर दिया माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं तो टेन वाई से टेन वाई कैंसिल हो गया फोर्टीन में से ट्वेंटी गया तो बचेगा माइनस का सिक्स एक्स ट्वेंटी में से थर्टी फाइव गया तो बेटा बचेगा माइनस का फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फिफ्टीन अपॉन सेक्स माइनस माइनस कैंसिल थ्री से काट दो बेटा इसको तो ये हो जाएगा फाइव बाय टू तो x की वैल्यू तो बेटा फाइव बाय टू आ रही है हमारी अब ये जो x की वैल्यू फाइव बाई टू आ रही है लेट से मैं पुट कर देता हूँ उसको किसी भी इक्वेशन में लेट सेकेंड में पुट कर देते हैं x इक्वल टू फाइव बाई टू हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करा तो फोर इन टू एक्स की जगह बेटा फाइव बाय टू रखा प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन तो ये टू से फोर कट जाएगा टू टाइम्स टू इंटू फोर टेन हो जाएगा टेन प्लस सेवन वाई इक्वल टू सेवन ठीक है सॉरी यहाँ पे टू आया था ठीक तो so so तो है इट इज़ टू आई तो टेन प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन सो वी कैन से दैट टू आई इक्वल टू सेवन माइनस टेन दैट इज माइनस थ्री सो द वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस थ्री बाय टू तो बेटा एक्स फाइव बाय टू आ चुका है वाई माइनस थ्री बाय टू आ चुका है हमें एक्स माइनस वाई फाइन करना था तो चलिए x की जगह तो बेटा फाइव बाय टू रख दिया फिर माइनस का साइन फिर y माइनस करना था y माइनस थ्री बाय टू है ये दो माइनस मिलके बेटा प्लस हो जाएंगे सो फाइव बाई टू प्लस थ्री बाय टू तो एट बाय टू यानी कि फोर तो इसका आंसर बेटा फोर आ रहा है जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा एम से है अगेन ये दो का क्वेश्चन है आ, हम देख सकते हैं क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देर इज अ फार्मर डिवाइड हिज हर्ड ऑफ एक्स काउज हर्ड का मतलब झुंड है ना काउ का झुंड एक तरह से फार्मर डिवाइड हिज हर्ड्स ऑफ एक्स काउज हिज फोर सनस है ना उसके पास एक्स काउज है और वो उनको अपने चार बेटों में बांट रहा है किस तरह से बांटा uh, इसने बोला कि जो फर्स्ट सन है गेट वन हाफ जो पहला सन है उसको हाफ मिला ठीक है सेकेंड को कितना मिला वन फोर्थ मिला थर्ड सन को मिला वन फिफ्थ और फोर्थ वाले को मिला सेवन ठीक है तो देखिए टोटल नंबर ऑफ काउस हमारी एक्स थी जो पहला सन था उसको हाफ मिला यानी कि एक्स बाय टू जो सेकेंड वाला था उसको मिला कितना सेकेंड गेट्स वन फोर्थ यानी कि एक्स बाय फोर और थर्ड वाले को मिला वन फिफ्थ थर्ड वाले को मिला वन फिफ्थ और जो फोर्थ वाला है उसको सेवन काउस मिली देखो फर्स्ट को इतनी मिली सेकंड को इतनी मिली थर्ड को इतनी मिली फोर्थ को इतनी मिली इन सबको ऐड कर देंगे तो दैट इज़ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ काउस विच इज़ एक्स सो यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये डन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा तो अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पे इन सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए है ना तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा एक्स माइनस एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय फोर माइनस एक्स बाय फाइव इक्वल टू सेवन टू फोर फाइव का एलसीएम ले लिया बेटा टू फोर फाइव का एलसीएम आएगा आपका ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्वेंटी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू सेवन तो टेन और फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन फोर नाइनटीन तो ये माइनस का नाइनटीन एक्स हो गया नाइनटीन ट्वेंटी में से नाइनटीन तो बेटा एक्स बचेगा ओनली तो एक्स अपॉन ट्वेंटी

एन टी सी स्टेज वन दो हज़ार चौदह का क्वेश्चन है इफाइनट सोल्यूशन की कंडीशन अभी जस्ट हमने देखी थी कि ए वन बाई ए टू शुड बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू शुड भी इक्वल टू सी वन बाई सी टू ऐसा होगा तो ही इन्फाइनट सोल्यूशंस होंगे वही सेम कंडीशन अपन लगाएंगे है ना तो ए वन ए टू क्या थे एक्स के कॉफिशन तो यानी एक्स ऑप्शन यहाँ पे के है यहाँ पर ट्वेल्व है सो के अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बी क्या था वाई का कोफिशंट तो थ्री अपॉन के इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू सी वन और सी टू क्या थे हमारे कांस्टेंट टर्म थी यहां पे कांस्टेंट टर्म है माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस थ्री और यह है माइनस का के माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस थ्री और माइनस का के ये माइनस माइनस बेटा कैंसिल हो जाएंगे अब देखिए इन दोनों का भी इक्वल होना जरूरी है और इन दोनों का भी इक्वल होना जरूरी है ठीक है तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट के स्क्वायर इजिकल्स टू ट्वेल्व इंटू थ्री दैट इज थर्टी सिक्स अब के का स्क्वायर थर्टी सिक्स है तो इसका मतलब है कि के वैल्यू प्लस माइनस सिक्स होगी क्योंकि सिक्स का स्क्वायर भी थर्ट सिक्स होता है और माइनस सिक्स का स्क्वायर भी थर्टी सिक्स होता है तो के वैल्यू तो बेटा प्लस माइनस सिक्स आ गई ठीक है सर प्लस सिक्स भी दिख रहा है ऑप्शन में माइनस सिक्स भी दिख रहा है तो दो दो आंसर तो हो नहीं सकते लेकिन एक ही चीज़ देखिए कि इन दोनों का इक्वल होना भी ज़रूरी है तो इसको भी सॉल्व करते हैं बीच में चलेगा एंड ऑपरेशन तो थ्री इंटू के तो हो जाएगा थ्री के के इंटू के माइनस थ्री तो यह के स्क्वायर माइनस थ्री के ठीक है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस सिक्स के इक्वल टू जीरो यहाँ से k कॉमन ले लिया बेटा तो k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो या तो k जीरो होगा या सिक्स होगा तो देखिए इन दोनों का इक्वल होना भी जरूरी है और इन दोनों का इक्वल होना भी जरूरी है ये दोनों कंडीशन होंगी तभी इसके इंफानाइट सॉल्यूशंस होंगे तो हमें k की ऐसी वैल्यू देखनी है जो दोनों में प्रेजेंट हो तो जैसे अब मैं बात करूं प्लस सिक्स इधर है सर इधर भी है तो यानी को आप सिक्स सिक्स के के लेकिन इसके ये तो बता ही नहीं रहा कि के 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 है तो यहां पे नहीं मैंने कहा था जो दोनों में कॉमन होगी वही हमारा आंसर होगा तो प्लस सिक्स दोनों में है तो इसलिए प्लस सिक्स ही हमारा आंसर है बाकी कोई आंसर नहीं है तो प्लस सिक्स विल बी अवर आंसर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थ्री गिवन नंबर्स ओके द सेकेंड नंबर इज़ टाइज द फर्स्ट नंबर एंड द थ्राइज दैन सॉरी एंड थ्राइज दैन द थर्ड नंबर इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज़ फोर्टी फोर देन वाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ओके ये क्वेश्चन आपका गुजरात एन टी सी स्टेज वन दो हजार चौदह का क्वेश्चन है बेटा चलिए पढ़ते हैं कि फिर इस इक्वेशन बनाते हैं इसने कहा हमारे पास तीन नंबर्स हैं और इसने कहा कि जो सेकेंड नंबर है तीन नंबर मान लेते हैं पहले अपन कुछ भी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेट्स से हमारे पास ये तीन नंबर हैं. इसने बोला जो सेकंड नंबर है सेकंड जो नंबर है इट इज ट्वाइस देन द फर्स्ट जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर है ठीक है और थ्राइस देन द थर्ड नंबर एंड थ्राइस देन ऑफ द थर्ड नंबर ठीक है ऐसे बोला इसने ओके okay. इफ द एवरेज ऑफ़ द थ्री नंबर्स एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने भी ऑब्जर्वेशन्स हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज थ्री विच इज इक्वल टू फोर्टी फोर ये हमें गिवन है तो हमें इसका लार्जेस्ट नंबर बताना है ठीक है वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर सो देखो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो एक्स टू है ना यही लार्जर नंबर है है ना साफ साफ समझ में आ रहा है क्योंकि एक्स टू एक्स वन का डबल है और x2 ही x3 का थ्री टाइम्स है तो यानी x2 ही हमें निकालना है कुल मिला के तो यानी जो हमें सॉल्व करना है x2 के लिए सॉल्व करना है तो यानी अपन क्या करेंगे x1 की वैल्यू भी x2 की फॉर्म में निकालेंगे x3 की वैल्यू भी x2 की फॉर्म में निकालेंगे तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स टू इज ट्वाइस ऑफ एक्स वन तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन जो है वो एक्स टू का हाफ है तो मैं एक्स वन की जगह क्या लिख दूँ एक्स टू का हाफ एक्स टू की जगह एक्स टू रहना दो अच्छा x2 जो है वो थ्री टाइम्स ऑफ x3 है तो मतलब x3 कितना एक्स टू बाई थ्री x2 टू बाई थ्री ये x3 की वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू फोर्टी फोर बस अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा ना फोर्टी फोर इंटू थ्री करिए बेटा कितना हो रहा है फोर्टी वन ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व इज वन थर्टी टू फोर्टी फोर इंटू थ्रीट इज वन थर्टी टू और यहाँ पे x2 टू बाई टू प्लस एक्स टू और एक्स टू बाई थ्री टू और थ्री का एल्सियम ले लिया बेटा सिक्स सिक्स ले लिया ऊपर आ जाएगा थ्री एक्स टू प्लस सिक्स एक्स टू प्लस टू एक्स टू तो ये हो गया मेरा बेटा छ और तीन नौ और दो चारा इलेवन एक्स टू बाई सिक्स इक्वल टू वन थर्टी टू तो यानी एक्स टू की वैल्यू हो गई वन थर्टी टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई इलेवन और वन थर्टी टू इलेवन की टेबल में आता बेटा ये ट्वेल्व टाइम्स कैंसिल हो जाएगा सही है ट्वेल्व इंटू सिक्स सेवनटी टू होता है तो आंसर सेवेंटी टू होना चाहिए दैट इज बी ऑप्शन सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन झारखंड से है एन टी सी स्टेज वन दो हजार चौदह द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट गिवन नंबर एंड द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट और इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ट्वेंटी सेवन देन वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द टू डिजिट ओके तो देखो बेटा जब भी हमें टू डिजिट नंबर बनाना होता है तो उसकी यूनिट डिजिट और टें डिजिट को हमें डिफाइन करना पड़ता है तो मैंने मान ली कि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो बी है और जो टें डिजिट है वो ए है तो जो हमारा नंबर बनता है वो कैसे बनता है टेन मल्टीप्लाई विथ टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट यह आपका नंबर हो गया और द नंबर विच इज ऑपटेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट उसको मैंने एन डैश बोल दिया तो ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो वह जाएगा टेन बी प्लस ए ये आपका ओरिजिनल नंबर और ये नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो नंबर है और जो इंटरचेंज करने पे जो नंबर बना इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ट्वेंटी सेवन है सही है वो क्या है ट्वेंटी सॉरी डिफरेंस ट्वेंटी सेवन दे रखा है तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं बेटा है ना यानी कि एन माइनस एन डैश करते हैं विच इज़ इक्वल टू तो ट्वेंटी सेवन तो टेन ए प्लस बी माइनस टेन बी प्लस ए इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो टेन ए में से ए गया तो नाइन ए बी में से टेन बी गया तो माइनस का नाइन बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन नाइन से डिवाइड कर दो बेटा तो ए माइनस बी इक्वल टू थ्री ए माइनस बी इक्वल टू थ्री तो ए माइनस बी इक्वल टू थ्री आ रहा है भाई यानी डिजिट का डिफरेंस थ्री आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में सम पूछा गया तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सम तो नहीं बता सकते डिफरेंस जरूर बता सकते हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू थ्री है तो इसलिए हमारा आंसर कैन नॉट बी फाउंड होना चाहिए ठीक है क्योंकि हम डिफरेंस तो बता पा रहे हैं लेकिन सम नहीं बता पाओगे ठीक है तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी फाउंड होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ गिवन फ्रैक्शन

x अपन वाई है एक्स आपका न्यूमिनेटर हो गया वाई आपका डिनोमिनेटर हो गया ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन में बोला गया न्यूमिनेटर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो यानी एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 3X. और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज को 3 से सब्रैक्ट कर दो ठीक है तो डिनोमिनेटर हो गया आपका वाई माइनस थ्री ऐसा करने पे जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है एटीन बाईन एटीन बायन ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थ्री से एटीन कट जाएगा सिक्स टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेवन एक्स इक्वल टू सिक्स वाई माइनस एटीन और यू कैन से इलेवन एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस एटीन ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार डन ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार अब आगे पढ़ते हैं इसने बोला न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय एट न्यूमरेटर को कोट से बढ़ा दिया डिनोनेटर हमारा एक्स था उसको एट से बढ़ा दिया तो एक्स प्लस एट हो गया एंड डिनोमिनेटर इज़ डबल डिनोमिनेटर को डबल कर दिया डिनोमिनेटर वाई था अब डिनोमिनेटर हो गया हमारा टू वाई अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जो फ्रैक्शन ऑप्टेंट होता है वो टू बाई फाइव ऑप्टेंट होता है टू बाई फाइव इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो फाइव एक्स प्लस फोर्टी इक्वल टू फोर वाई और यू कैन से फाइव एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हमें निकालना था सम ऑफ समिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वाई निकालना हमें क्वेश्चन ओके तो यहां पे देखें अपन यहां पे देखिए वाई का क्वेश्चन सिक्स है और यहां पे फोर है तो सिक्स और फोर का एल्सियम होता है ट्वेल्व तो इसको भी ट्वेल्व बनाओ इसको भी ट्वेल्व बनाओ तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा टू से तो इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ट्वेंटी टू एक्स माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू माइनस का थर्टी सिक्स ठीक है सेम वे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री से तो ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व आई थ्री से मल्टीप्लाई ना तो ये माइनस का वन ट्वेंटी हो गया माइनस का वन ट्वेंटी दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस ये ट्वेल्व वाई कैंसिल हो गया बेटा ट्वेंटी टू में से फिफ्टीन गया तो बचेगा सेवन एक्स इक्वल टू 120 में से 36 माइनस करना तो हमारे पास बचना चाहिए 84, 84. तो 84 फोर बाय सेवन यानी कि 12. तो बेटा x तो 12 आ गया आपका x कितना आ गया 12. अब y निकाल लेते हैं y निकालने के लिए आप क्या करो x को 12 रख दिया लेट से इस इक्वेशन में है ना इसमें रख दिया तो 5 इंटू ट्वेल्व तो हो गया 60. 60 उधर जाके माइनस सिक्सटी माइनस फोर्टी और माइनस सिक्सटी हो जाएगा माइनस का हंड्रेड तो माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस का हंड्रेड माइनस या माइनस कैंसिल तो वाई की वैल्यू ट्वेंटी फाइव वाई ट्वेंटी फाइव आ रहा है और एक्स ट्वेल्व आ रहा है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व यानी कि थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी सेवन यस सी सी ऑप्शन बेटा सही है इसका है ना सी ऑप्शन सही है ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये वर्ड प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन फ्रैक्शन चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन uh, एक वर्ड प्रॉब्लम है एम में है हमारा सॉरी मध्य प्रदेश एन टी सी स्टेज वन दो हजार चौदह का क्वेश्चन है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर फाइव ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी पांच साल बाद ए बी का डबल हो जाएगा ओके okay. और एट प्रेजेंट बी इज फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी अभी प्रेजेंट में जो बी है वो पांच साल बड़ा है सी से हु थ्री ईयर्स वी ईयर्स द प्रेजेंट एज ऑफ इज ओके चलिए बढ़िया क्वेश्चन है करते हैं तो इसने ये कहा अपन एक काम करते हैं मान लेते हैं ए बी सी ये सबकी प्रेजेंटेज हैं द प्रेजेंटेज ऑफ ए इज ए द प्रेजेंटेज ऑफ बी इज बी द प्रेजेंटेज ऑफ सी इज सी ठीक है ये प्रेजेंटेज मान लेते हैं अपन ठीक है ये हमने प्रेजेंटेज मान लिया इनकी इसने कहा आफ्टर फाइव इयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी पांच साल बाद पांच साल बाद ए की एज तो ए प्लस फाइव हो जाएगी बी की एज बी प्लस फाइव हो जाएगी और सी की एज सी प्लस फाइव हो जाएगी तो पांच साल बाद इसने बोला कि जो ए है आफ्टर फाइव ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी तो ए की जो एज है वो बी की एज का डबल है पांच साल बाद यानी कि ए प्लस फाइव जो है ना वो बी प्लस फाइव का डबल है तो इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस फाइव टू टू बी प्लस टेन तो यू कैन से दैट ए माइनस टू बी इक्वल टू फाइव ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई ए माइनस टू बी इक्वल टू फाइव ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई है इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है आपसे <laughs> यहाँ तक हो गया ना ओके नाउ एट प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन की देखिए है ना ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर की बात हो रही है प्रेजेंट की बात हो रही है ठीक है ना कंफ्यूज करते हैं तो एट प्रेजेंट है ना प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है प्रेजेंट में जो बी है ना वो फाइव इयर्स ओल्डर देन सी है यानी बी की जो एज है वो सी की एज से पांच ज्यादा है यानी बी की वैल्यू सी प्लस फाइव है हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है ए की प्रेजेंटेज निकालनी है ए की प्रेजेंटेज निकालनी है ठीक है वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ ए तो क्या करें एक सेकेंड ओके okay. तो तो यहाँ पे ए की परसेंटेज निकालनी है आपको आफ्टर फाइव ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एस पी आफ्टर फाइव ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एस पी फाइव ईयर्स के बाद ये हो जाएगी तो ये तो सही है और एट प्रेजेंट बी इज फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी फाइव टाइम्स ओल्डर बोला है फाइव टाइम्स पाँच साल ज़्यादा नहीं बोला है ना फाइव सी हुआ मतलब इफ आफ्टर फाइव ईयर्स ए विल बी ट्वाइज एज ओल्ड एज बी ये तो सही है ए प्लस फाइव इक्वल टू टू टाइम्स फाइव ये तो सही है एट प्रेजेंट प्रेजेंट में बी जो है वो फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी है सी है फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी है हुज एज बिफोर थ्री इयर्स वाज थ्री इयर्स ओके अभी एक कंडीशन तो अपने पढ़ी नहीं सॉरी इसने बोला कि एट प्रेजेंट बी इज फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी फाइव टाइम्स ओल्डर देन है जो बी है ना वो फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी है जो जो है वो five times older than C है 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 okay. तो है वो वो ठीक तो तो और the present, आ, इसने और ये भी बोल रखा था थ्री ईयर्स वाज थ्री ईयर्स यानी थ्री साल पीछे चलेंगे तो सी की एज कितनी हो जाएगी सी माइनस थ्री ठीक है ना सॉरी और तीन साल पीछे चलेंगे तो सी की एज हो जाएगी सी माइनस थ्री और सी की जो प्रेजेंट एज है वो सॉरी उस समय सी की एज कितनी है थ्री इयर्स दे रखी है तो सी माइनस थ्री इक्वल टू थ्री दे रखा बेटा तो यानी सी की वैल्यू बेटा हो गई सिक्स सी की वैल्यू सिक्स हो गई तो फाइव इंटू सिक्स तो बी की वैल्यू थर्टी हो जाएगी बी की वैल्यू थर्टी हो गई तो यहाँ पर बी की जगह थर्टी रख दिया तो हो जाएगा सिक्सटी इक्वल टू फाइव तो यानी ए की वैल्यू सिक्सटी फाइव हो गई तो आंसर सिक्सटी फाइव होना चाहिए ठीक है तो हमारा ऑप्शन डी सही है ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने आ, ये लाइन पढ़ना ही भूल गया मैं ठीक है ये लाइन पढ़ना ही भूल गया मैं सिर्फ उसी कंडीशन को सॉल्व रहा था कर रहा था और मैं देख रहा था कि वेरिएबल तो तीन आ रहे हैं और इक्वेशन सिर्फ दो ही बन पा रही है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैंने इस पर गौर नहीं किया इस पर गौर करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ हुआ क्या था कि ये हमने ए बी सी की प्रेजेंटिज़ मान ली थी फिर इसने बोला था कि पाँच साल बाद ए जो है वो बी की, तो की एज 5, B 5 का डबल होगा पाँच साल बाद इनकी एजेस हो जाएंगी ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी प्लस फाइव तो ए की एज यानी कि प्लस फाइव वो बी प्लस फाइव का डबल है तो इससे एक इक्वेशन बनी हमारी और फिर इसने ये कहा था कि एट प्रेजेंट बी की जो एज है वो फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स ओल्डर देन सी यानी कि जो बी की जो एज है एट प्रेजेंट वो सी की एज का फाइव टाइम्स है एक ये कंडीशन दे रखी थी और फिर इसने बोला था कि सी जिसकी एज तीन साल पहले तीन थ्री ईयर्स होगी सी तो की एज तीन साल पहले क्या होगी सी माइनस थ्री और विच इज इक्वल टू थ्री तो यहां से सी की वैल्यू सिक्स आ गई सी की वैल्यू यहां पुट करी तो बी आ गया बी आ गया तो ए आ गया इस तरह से चलिए आगे बढ़ते तो फाइनली इसका आंसर बेटा सी सॉरी डी ऑप्शन हुआ दैट इज सिक्सटी फाइव चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाईक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस वाईक्वल टू वन विल बी तो देखिए अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह का ग्राफ होगा क्या वो ग्राफ पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी क्या लाइंस कॉन्साइड करेगी क्या कॉन्क्रेंट लाइंस होंगी तो देखिए यहाँ पे आ, हम देखते हैं कंडीशन देखो पहले अपन ने ए वन बाय ए टू निकाला ए वन बाई ए टू का मतलब के कोफिशिएंट्स यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है फिर हमने वाई का कोफिशिएंट का रेशो निकाला दैट इज़ बी वन बाई बी टू यहाँ पे वन है यहाँ पे माइनस वन है ठीक है तो ये तो वन हो गया ये माइनस वन हो गया तो यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू तो जब भी ऐसा होता है तो लाइन्स आपस में क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारा आंसर बी होना चाहिए अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉन्करेंट भी तो का मतलब इंटरसेक्ट होता है ना कॉन्करेंट वर्ड हम तब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा लाइन्स होती हैं ठीक है थीके? जब दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करती है उसे कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है इस चीज का ध्यान रखें ठीक है तो कॉन्करेंट वर्ड दो लाइन के लिए यूज नहीं करते दो से ज्यादा लाइन के लिए यूज करते तो बच्चे कंफ्यूज हुए थे इस जब ये क्वेश्चन आया था तो बी और डी में से ऑप्शन बी सही है क्योंकि कॉन्करेंट वर्ड दो से ज्यादा लाइनों के लिए यूज होता है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स मध्य प्रदेश एन स्टेज वन दो का क्वेश्चन है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बोट मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम थर्टी किलोमीटर इन टू आवर्स एंड अप स्ट्रीम सिक्स किलोमीटर्स इन टू आवर्स द स्पीड ऑफ द बोट मैन रोइंग एंड एंड द स्पीड ऑफ करंट आर रेस्पेक्टिवली ओके तो देखो अपन बोट की स्पीड मान लेते हैं बी और जो करंट है उसकी स्पीड मान लेते हैं सी ठीक है और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मेरे ख्याल से आप सब समझते होंगे कि देखो ये स्ट्रीम का मतलब होता है बहता हुआ पानी ठीक है उसकी खुद की एक अपनी एक स्पीड होगी मान लेते उसकी स्पीड है सी और बोट की खुद की स्पीड होगी जब बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जाता है तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है सॉरी इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम वन द बोट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम उसे अपन डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और आपको फील हो रहा होगा कि डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि एक तरह से स्ट्रीम भी इसको एक तरह से धक्का दे रही है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक है तो बोट की जो नेट स्पीड होती है ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम वो हो जाती है बी प्लस सी वही कंसेप्ट बात करते हैं अपस्ट्रीम की वेन द बोट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट वेन द बोट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट करंट देखिए राइट साइड जा रहा है और बोट आपकी लेफ्ट साइड जा रही है डायरेक्शन अपोजिट है तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा अपस्ट्रीम ठीक है वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट तो इस समय जो बोट की जो नेट स्पीड होगी वो हो जाएगी बी माइनस सी बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है स्पीड डिस्टेंस टाइम वही कंसेप्ट लगाने है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो स्पीड रहेगी बी प्लस सी अप स्ट्रीम की बात होगी तो स्पीड रहेगी हमारी बी माइनस सी दैट्स इट तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ये है हमारा डिस्टेंस क्या है थर्टी किलोमीटर्स टू आवर्स में हम ट्रेवल कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम बोलो बी प्लस सी स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस दैट इज थर्टी डिवाइडेड बाय टाइम टाइम कितना है बेटा टू तो ये आ गया फिफ्टीन तो बी प्लस सी तो फिफ्टीन हो गया नेक्स्ट अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है बेटा बी माइनस सी होती है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं वही थर्टी ट्रैवल कर रहे हैं टाइम कितना लग रहा है इस बार सॉरी डिस्टेंस इस बार हम सिक्स किलोमीटर कर रहे हैं सॉरी डिस्टेंस हमारा बेटा सिक्स किलोमीटर है डिस्टेंस सिक्स किलोमीटर है टाइम लग रहा है टू आवर्स डिस्टेंस कितना है हमारा सिक्स और टाइम कितना है बी माइनस सी की वैल्यू थ्री हो गई बी प्लस सी हमारा फिफ्टीन है बी माइनस सी थ्री है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो सी 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 कट जाएगा तो टू बी इक्वल टू एटीन तो बी की वैल्यू बेटा नाइन आ गई बी कितना आ गया नाइन बी नाइन आ गया तो सी हो जाएगा फिफ्टीन माइनस नाइन यानी कि सिक्स तो सी सिक्स आ जाएगा तो बोट की स्पीड नाइन और करंट की स्पीड सिक्स तो आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन दैट इज नाइन सिक्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात 2015 एनटीसी स्टेज वन इफ एक्स बाय थ्री प्लस सेवन इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एक्स बाय फाइव देन फाइंड द सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ठीक है तो कीप द वेरिएबल ऑन द वन साइड इसको आप इधर तो, uh, ले आइए सेवन को उधर ले जाइए तो एक्स बाय थ्री प्लस एक्स बाय फाइव इक्वल टू फिफ्टीन माइनस सेवन दैट इज एट थ्री और फाइव का एलसीएम ले लिया दैट इज फिफ्टीन ऊपर हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू एट तो एट एक्स बाई फिफ्टीन की वैल्यू बेटा फिफ्टीन आ गई सो एक्स इक्ल टू फिफ्टीन यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है थ्री रेस्ट टू द पावर टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री रेस्ट टू द पॉवर एक्स प्लस वाईक्वल टू रूट ट्वेंटी सेवन देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री एस टू दी पावर एक्स माइनस वाई ये दिल्ली में पूछा गया था स्टेज वन का क्वेश्चन है दो हजार पंद्रह तो देखो बेटा आ, ये जो रूट ट्वेंटी सेवन है है ना ट्वेंटी सेवन को मैं लिख सकता हूँ थ्री का क्यूब और रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर वन बाय टू तो ये हो जाएगा थ्री की पावर थ्री बाय टू तो यानी रूट ट्वेंटी सेवन को थ्री की पावर थ्री बाय टू लिखा जा सकता है तो अब देखो ये देखो ये सब इक्वल थे तो देखो सबका बेस सेम है सबका बेस सेम है तो मतलब पावर भी सेम होगी फिर तो।, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू एक्स माइनस वाई शुड भी इक्वल टू थ्री बाय टू टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल एक्स प्लस टू थ्री बाय टू और आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों का भी बेस सेम है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे तो यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि टू एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है तो टू एक्स में से एक्स गया तो बचेगा एक्स वाई दो जाके प्लस तो एक्स इक्वल टू टू वाई हो गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास टू हो गई अब हम क्या करें ये जो एक्स इक्वल टू टू आए हैं मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ एक्स की जगह टू तो रख दिया टू तो वाई प्लस वाई तो जगह थ्री वाई इजिक्वल टू थ्री बाई टू तो थ्री तो से थ्री कट गया तो वाई जा जा तो की वैल्यू वन बाय टू आ गई वाई की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय टू वाई की वैल्यू वन बाय टू आ गई तो यहाँ पे वाई की जगह वन बाई टू रख दिया तो टू इन वन टू यानी कि वन तो x कितना आ गया बेटा वन आ गया x वन है और y वन बाय टू है हमें निकालना क्या था थ्री की पावर x माइनस वाई थ्री की पावर x माइनस वाई तो थ्री x की जगह वन y की जगह वन बाय टू यानी तो थ्री की पावर वन बाय टू दैट इज रूट थ्री तो इसलिए हमारा आंसर आना चाहिए रूट थ्री जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है ठीक है तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू प्रीवियस ईयर एन टी एस सी क्वेश्चन आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा हो थैंक यू